नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान टेकनाथ प्लस टू उच्च विद्यालय कपिलेश्वर स्थान में आज कौशिक कन्हैया मेमोरियल 2023 का फाइनल मैच भोज पंडोल बनाम बेली पट्टी के बीच खेला गया। आज की बेली पट्टी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 16 ओवर में 8 विकेट खोकर कुल 147 रन बनाए। जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में भोज पंडोल की टीम ने पूरा विकेट खोकर 16 ओवर में 145 रन 7 विकेट खोकर बना पाए। इस तरह भोज पंडोल की टीम को 2 रनों से फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, कपिलेश्वर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित कौशिक कन्हैया मेमोरियल कप 2023 का बीते 3 जनवरी को उद्घाटन ककरौल दक्षिणी के मुखिया मोहम्मद सना उल्लाह ने फीता काटकर किया था। कौशिक कन्हैया मेमोरियल कप टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच रहे गुड्डू सरकारी, वही मैन ऑफ द सीरीज भोज पंडोल टीम के अनिल को दिया गया। मैच में मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पूर्व ककरौल, दक्षिणी पंचायत के मुखिया सना उल्लाह, जिला परिषद प्रतिनिधि मधुराय, ककरौल उत्तरी पंचायत के मुखिया नागेंद्र चौरसिया, पूर्व मुखिया कमलनाथ झा, ककरौल दक्षिणी के उप मुखिया टुनटुन जी, इस टूर्नामेंट जो कमेटी के सदस्य थे कुछ इस प्रकार: बालाजी रियासत उर्फ कल्लू, राकेश सुबोध, दिलामर उर्फ किट्टू, राजीव रंजीत, सुनील अंकित, कंवर सुनील, सचिन, विजय, पिंटू, बुहरन, नियाज, नंदन एवं पूर्व मुखिया। सभी अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीम को मेडल और कप देकर सम्मानित किया। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। मन गए थे, मेरे माइंड में यह था कि 8 मैच तक उनको ही बनाना है, तो मैच वहां खत्म हुआ नहीं था। प्रेशर में हमारी टीम नहीं थी, प्रेशर में हम दोनों थे और उसका पॉजिटिव थिंग जो हमारी टीम ने अच्छा करके दिखाया वही हम चाहते थे कि ऐसा हो। जी, आपके जो मुख्य गेंदबाज साबित हुए गुड्डू सरकारी, दूसरी तरफ आपके प्रमुख बल्लेबाज। स्टार्टिंग में तो हमारी शुरुआत वैसे अच्छी नहीं हुई और रन भी बहुत कम बने थे, लेकिन लास्ट में कुछ रन आए जो हमारी टीम के लिए पॉजिटिव साबित हुआ था। जी, जीत में सबका योगदान है और खासकर मैं गुड्डू भैया की तारीफ करना चाहूंगा और इसी बोलूंगा कि उन्होंने साबित किया कि ओल्ड इज गोल्ड हमें। तो जी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उन्हें 20 सालों से खेलते हुए देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मुबारक हो इस जीत के लिए। चलिए, हार जीत का फैसला हुआ जब आपके बल्लेबाज अनिल आउट हुए, तो आप लोग के टीम मैनेजमेंट में क्या चल रहा था उस टाइम पे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी टीम जो इस चैंपियनशिप की लगातार तीन बार की विजेता टीम। इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती बिंदु गुलाब यादव जी का आगमन हो चुका है, तालियों से उनका स्वागत किया। और आपके लिए एक खुशखबरी की बात है कि आप फाइनल लूज कर गए हैं, कोई बात नहीं है, आपकी टीम को 2024 का जो नया सेशन होगा हमारी कमेटी की तरफ से आपको निशुल्क एंट्री दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। कोई भी टूर्नामेंट में अगर टीम खेलती है तो पूरे 11 एक उतरती है और 11 जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसी के हिसाब से टीम जीतती है। कोई एक प्लेयर बहुत बढ़िया कर जाता है लेकिन सहयोग पूरे 11 का ही होता है। बहुत बढ़िया जी, जिस हिसाब से आपने गेंदबाजी किया, अपने लाइन लेंथ को आपने पकड़ के रखा, मेंटेन करके रखा, अनिल जो पिछले मैच का शतकीय वीर था। कि क्रिकेट दिन का खेल होता है, कल अनिल का दिन था जो अकेले रह के मैच जीता दिया और आज भी अच्छा खेल रहा था लेकिन पूरा रन का प्रेशर हो गया होगा इसीलिए वो डालना जल्दी करने लगा, इसीलिए विकेट वो फेंक के चला गया। जी नहीं, कल बेनिफिट तो था लेकिन हमारी टीम के सभी बॉलरों ने बढ़िया बॉलिंग किया है और यहाँ पे छक्का बहुत छोटा है जो बॉलर के लिए मायने नहीं रखता है, वो अगर एक छक्का खाने के बाद कंट्रोल भी करके बॉलिंग निकाल लेते हैं तो अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।